गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर ऑन कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑन डाइसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स। नाउ डाइसैक्राइड्स मीन्स द कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट माल्टोज। माल्टोज ए डाइसैक्राइड विच इज ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर। माल्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट HCl और विद एंजाइम माल्टेज। इट गिव्स ग्लूकोज यूनिट, टू ग्लूकोज यूनिट। माल्टोज इज यूज इन सीरियल्स, कैंडीज एंड ब्रूइंग। इन ब्रूइंग माल्टोज इज अ डाइसैक्राइड इन विच टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड बाय वन फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, विच मीन्स फोर्थ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट एट फोर्थ पोजिशन ऑफ ए ग्लूकोज यूनिट इज अटैच्ड विद एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ अदर ग्लूकोज यूनिट। हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन एटम ऑफ अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका ये एनोमेरिक कार्बन एटम है, इस पर क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये भी अल्फा ग्लूकोज है, इसका क्या है फोर्थ पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा और आपको क्या मिलेगी अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये लिंकेज कौन सी है अल्फा, क्योंकि अल्फा ये वाली जो एनोमेरिक कार्बन है इसका कौन सा एटम है अल्फा। कौन सी टाइप की है, फर्स्ट जो कार्बन है वो लिंक है विद फोर्थ कार्बन एटम और कौन सा बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो डाइसैक्राइड्स इन विच टू ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय वन फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज नोन एज माल्टोज। अब ये माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, क्योंकि जो ये सेकेंड ये ग्लूकोज यूनिट है इसका तो एनोमेरिक कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो ग्लूकोज की यूनिट है इसके जो फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन है, ये जो इसका एनोमेरिक कार्बन है ये लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है। इस वजह से जो माल्टोज है वो क्या है रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों है, ये जो आपका एक ग्लूकोज यूनिट है ये सेकेंड ग्लूकोज यूनिट है, इसका फर्स्ट कार्बन एटम यानी कि एनोमेरिक कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व है, इसका फोर्थ कार्बन एटम एनोमेरिक वो जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, और ये इस वाला ये जो है इसका फर्स्ट कार्बन एटम जो एनोमेरिक कार्बन एटम है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है। तो ये होगी वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा मॉलिक्यूल है तो ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। अब ये वाली जो ग्लूकोज है ये क्या है रिड्यूसिंग है, क्योंकि ये जो आपका ग्लूकोज मॉइटी है इसका जो एनोमेरिक कार्बन है ये किसी लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है। इस वजह से जो माल्टोज है ये क्या है रिड्यूसिंग शुगर है। ये फिर दिखा रखा है, ये है एक ग्लूकोज यूनिट, यहाँ पे ये बीटा ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। बीटा में जो एनोमेरिक कार्बन है इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या हो जाएगा बीटा पोजिशन पर हो जाएगा। तो ये एनोमेरिक कार्बन और ये फोर्थ एनोमेरिक कार्बन, ये आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही है। तो ये अल्फा मॉइटी है, ये क्या है बीटा मॉइटी है, लेकिन हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसिल। ये है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसिल वन फोर ग्लूकोपाइरानोज, ये ग्लूकोपाइरानोज होगी, ये ग्लूकोपाइरानोसिल। तो जो पहली और चौथी पोजीशन जो है आपस में लिंकेज में इन्वॉल्व है। यहाँ पे ये जो वाली ग्लूकोज है ये वाली, ये अल्फा भी हो सकती है और बीटा भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म हो जाएगी अल्फा या बीटा। ये वाली जो ग्लूकोज जो है जिसका एनोमेरिक कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व है, ये वाली जिसका एनोमेरिक कार्बन यानी फर्स्ट कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व है वो हमेशा कौन सी होती है अल्फा होती है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्यों होगी, क्योंकि जो दूसरी वाली जिसका फोर्थ कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व है उसका फर्स्ट कार्बन जो है वो फ्री है, एनोमेरिक कार्बन फ्री है, वो लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है। इस वजह से माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। ये कन्फर्मेशन जो बोट कन्फर्मेशन चेयर कन्फर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये इसका लिंकेज दिखा रखी है।
नेक्स्ट जो आपका डाइसेक्राइड है वो है सेल बायोज। सेल बायोज को कैसे हमें कैसे मिलता है? ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज में क्या होता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो इसका मतलब जो सेल बायोज है उसमें भी जो ग्लूकोज है वो उसमें लिंकेज कौन सी होगी? बीटा लिंकेज होगी। तो सेल बायोज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स लिंक बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये वाली शुगर भी क्या है? रिड्यूसिंग है। अब ये क्या है? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इसका मतलब जिस ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व है वो उसके नेचर कैसा है? बीटा। दूसरा वाला क्या हो सकता है? अल्फा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है। यहाँ पे ये कौन सा ले रखा है? बीटा ले रखा है। अब ये दूसरे वाले कार्बन का जो एनोमेरिक कार्बन है वो क्या है? फ्री है, लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है। इस वजह से क्या होगी? रिड्यूसिंग शुगर होगी। तो जो सेल बायोज है इसके अंदर क्या है? 2 ग्लूकोज यूनिट है। जो जिस ग्लूकोज यूनिट का एनोमेरिक कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व है वो किसका नेचर कैसा है? बीटा है। दूसरा क्या हो सकता है? अल्फा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है। दूसरी जो ग्लूकोज यूनिट है उसका एनोमेरिक कार्बन क्या है? फ्री है, लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है। इस वजह से क्या हो जाएगी? रिड्यूसिंग शुगर। तो इसका नाम कैसे देंगे? फोर्थ पोजिशन पे क्या है? ओ बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसिल। कि फोर्थ पोजिशन पे ओ ऑक्सीजन के साथ लिंक है, कौन सी ग्लूकोज है? बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसिल। कौन सा ग्लूकोसाइड है? ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ये भी ये वाली ग्लूकोज भी कौन सी है? बीटा। तो ये क्या हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। अब ये कंपैरिजन बिटवीन सेल बायोज एंड माल्टोज। माल्टोज के अंदर जो एनोमेरिक कार्बन में इन्वॉल्व थी वो अल्फा थी, सेल बायोज में जो एनोमेरिक कार्बन वाली थी वो बीटा थी। ये अल्फा बीटा भी हो सकती है, ये अल्फा बीटा भी हो सकती है। यहाँ पे अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यहाँ पे क्या है? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो माल्टोज में 2 ग्लूकोज यूनिट है, सेल बायोज में भी 2 ग्लूकोज यूनिट है। माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है, जबकि सेल बायोज में बीटा डी ग्लूकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है। जो माल्टोज है उसमें अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसिल लिंकेज क्यों है? क्योंकि ये जो आपका ग्लूकोज यूनिट है जिसका एनोमेरिक कार्बन एटम लिंकेज में इन्वॉल्व है उसकी कन्फिग्रेशन क्या है? अल्फा है। जबकि सेल बायोज का जो एनोमेरिक कार्बन है जो लिंकेज में इन्वॉल्व है उसकी कन्फिग्रेशन क्या है? बीटा है। इस वजह से ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और माल्टोज में अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। नेक्स्ट जो आपका डाइसेक्राइड है वो है सुक्रोज। सुक्रोज डाइसेक्राइड मिला होता है, बना होता है किससे? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से आपस में मिलके। इसको हम और क्या कहते हैं? टेबल शुगर। ग्लूकोज जो सुक्रोज है किसका कंपोज, किस किस चीज़ से बना होता है? एक ग्लूकोज यूनिट और एक फ्रक्टोज यूनिट ज्वाइंट टुगेदर बाय अल्फा। जो ग्लूकोज की अल्फा होती है और जो फ्रक्टोज है उसकी बीटा। तो ग्लूकोज की फॉर्म कौन सी है? अल्फा फॉर्म है और फ्रक्टोज की कौन सी फॉर्म है? बीटा फॉर्म है। तो अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये अटैच्ड है। इसका कोई भी आइसोमर नहीं है क्योंकि इसके दोनों के क्या है? एनोमेरिक कार्बन एटम। ग्लूकोज का भी एनोमेरिक कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व है, फ्रक्टोज का भी एनोमेरिक कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व है। इस वजह से इस केस में कोई सब आइसोमर पॉसिबल नहीं है। जबकि चाहे आप माल्टोज ले लो, चाहे आप ले लो सेल बायोज, या फिर आगे हम जो स्टडी करेंगे गैलेक्टोज, इन सब के आइसोमर पॉसिबल है क्योंकि उसमें एक ग्लूकोज यूनिट का एनोमेरिक कार्बन तो लिंकेज में इन्वॉल्व होता है, दूसरे ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है, लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है। इसी वजह से वो क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। और वो जो सेकंड यूनिट है वो अल्फा भी हो सकती है और बीटा भी। इस वजह से उनके आइसोमर्स पॉसिबल है। अब ये जो सुक्रोज है ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि जो ग्लूकोज है इसका एनोमेरिक कार्बन भी लिंकेज में इन्वॉल्व है और जो आपकी फ्रक्टोज है इसका भी एनोमेरिक कार्बन क्या है? लिंकेज में इन्वॉल्व है। इस वजह से कोई भी हेमी एसिटल कार्बन यहाँ पे फ्री नहीं है, दोनों एसिटल लिंकेज में इन्वॉल्व है। इस वजह से जो आपकी सुक्रोज होगी वो क्या हो जाएगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो सुक्रोज है जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं विद डाइल्यूट HCl या फिर एंजाइम इन्वर्टेज के साथ तो हमें मिक्सचर मिलता है डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज का इन इक्वल अमाउंट।
अब फ्रक्टोज जो है वो मोर लेबोरेटरी है कंपेयर टू ग्लूकोज एज डेक्सट्रोरोटेटरी। तो जो हाइड्रोलिटिक मिक्सचर मिलेगा वो ओवरऑल उसकी ऑप्टिकल रेशन क्या होगी, लीवो रोटेशन होगी। जैसे ये ग्लूकोज है इसकी ये क्या है डेक्सट्रोरोटेटरी है, इसकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या है प्लस 66.5। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर मिलेगा। ग्लूकोज क्या है डेक्सट्रोरोटेटरी है, फ्रक्टोज क्या है लीवोरोटेटरी है, लेकिन फ्रक्टोज जो है वो मोर लीवोरोटेटरी है कंपेयर टू डेक्सट्रोज जो ग्लूकोज एज डेक्सट्रोरोटेटरी। तो ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगी डेक्सट्रोरोटेटरी। सो हाइड्रोलिसिस इज अकम्पनीड बाई चेंज ऑफ रोटेशन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इज कॉल्ड इन्वर्जन, और इस हाइड्रोलिटिक मिक्सचर को हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर। ठीक है, सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें इक्वल अमाउंट में क्या मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज क्या होती है डेक्सट्रोरोटेटरी, लेकिन ग्लूकोज डेक्सट्रोरोटेटरी होती है, फ्रक्टोज क्या होता है लीवोरोटेटरी होती है। जो फ्रक्टोज है वो मोर लीवोरोटेटरी यानी उसकी लीवोरोटेशन क्या है -92.4 और जो ग्लूकोज है उसकी डेक्सट्रोरोटेशन कितनी है 52.5। तो जो आपकी फ्रक्टोज है वो मोर लीवोरोटेटरी है कंपेयर टू ग्लूकोज। तो ओवरऑल कन्वर्जन क्या हो रहा है फ्रॉम डेक्सट्रोरोटेशन टू लीवोरोटेशन। इस वजह से इस मिक्सचर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर को जो किससे मिल रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, इसको हम और क्या बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। ये आपका सुक्रोज की बॉन्डिंग दिखा रखी है, ये जो है अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये है बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, इन दोनों की अल्फा फॉर्म लिख लो और बीटा फॉर्म लिख लो। अल्फा ग्लूकोज की पायरानोज फॉर्म में, बीटा की फ्यूरिनोज फॉर्म में। ठीक है, अब इसका C1 एनोमेरिक कार्बन है, इसका C2 एनोमेरिक कार्बन है, दोनों आपस में क्या हो गए लिंकेज में इन्वॉल्व हो गए। तो एनोमेरिक कार्बन क्या है फ्री नहीं है, इस वजह से क्या होगी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो एक यूनिट अल्फा डी ग्लूको पायरानोसाइड की और एक यूनिट बीटा डी ग्लूको पायरानोसाइड की क्या बना रहे अल्फा 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहे हैं, और ये क्या है सुक्रोज की स्ट्रक्चर। लास्ट जो डाइसेक्राइड है वो है लैक्टोज। लैक्टोज को और हम क्या कहते हैं मिल्क शुगर। लैक्टोज और क्या है मिल्क शुगर, हाइड्रोलाइज बाय इमल्सिन। ये किससे हाइड्रोलाइज आता है इमल्सिन, जो हाइड्रोलाइज करते हैं बीटा लिंकेजेस की वो शो करता है, यानी कि जो ग्लूकोज जो लैक्टोज है उसमें कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। अब जब हम लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एक ग्लैक्टोज मिलता है और एक मॉलिक्यूल क्या मिलता है ग्लूकोज मिलता है। ग्लैक्टोज जो है वो क्या है बीटा फॉर्म में है, और जो ग्लूकोज है इसकी फॉर्म क्या हो सकती है अल्फा या बीटा, तो जो भी उसकी फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंग उसका स्टीरियो आइसोमर होगा। तो लैक्टोज हो गया, लैक्टोज की कौन सी फॉर्म होगी बीटा, और आपके ग्लूकोज की यहाँ पे जो फॉर्म दिखा रखी है वो कौन सी है अल्फा, इसमें कौन सी होगी बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो गलैक्टोज का है फर्स्ट पोजीशन जो है एनोमेरिक कार्बन है वो लिंकेज में इन्वॉल्व है, और वो उसकी जो गलैक्टोज की फॉर्म क्या है बीटा, इस वजह से बीटा लिंकेजेस बोलते हैं। जो ग्लूकोज यूनिट है इसकी फोर्थ पोजीशन आप लिंक होगी विद फर्स्ट पोजीशन ऑफ गलैक्टोज, तो बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन क्या है फ्री है। ये जितनी भी डाइसैक्राइड्स है इनकी केवल स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर हमने कैसे निकाली ये नहीं आपके सिलेबस में, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ स्ट्रक्चर उसकी क्या है कि ये वाली स्ट्रक्चर जो आपकी ये लैक्टोज की ये स्ट्रक्चर है, या माल्टोज सेल बायोज, इनकी जो फाइनल स्ट्रक्चर है ये आपको आनी चाहिए। इसके अंदर कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है और ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। ये लैक्टोज की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये उसी तरह ये होगी बीटा फॉर्म ऑफ गलैक्टोज। कैसे पता चलेगा, ये जो फोर्थ पोजीशन है इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ ऊपर है, ग्लूकोज में फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ होता है नीचे होता है। तो जो ग्लूकोज और गलैक्टोज C4 एपिमर्स होते हैं, ये आपको पहले बताया था। तो ये जो फॉर्म है ये कौन किसकी है गलैक्टोज की, ये वाला किसका है ग्लूकोज का है। गलैक्टोज बीटा फॉर्म में है, ग्लूकोज अल्फा या बीटा फॉर्म किसी में भी हो सकता है।
इनमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन यानी कि एनोमेरिक कार्बन फ्री है, इस वजह से ये क्या, ये जो लैक्टोज है कौन सी शुगर हो जाएगी, रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट इज ये तो थे चार जो हैं डाइसेक्राइड्स आपके सिलेबस में है, कौन कौन से, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड सेल्बायोज, और उनकी सिर्फ स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन आपके सिलेबस में नहीं है। लास्ट जो टॉपिक है आपके इस यूनिट का वो है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में आप स्टडी करोगे स्टार्च एंड सेलुलोज। अब स्टार्च क्या होता है, स्टार्च इज यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स। अब स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हमें दो फ्रेगमेंट मिलते हैं, एक कहते हैं अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, और जब हम इनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा। तो ये शो करता है कि जो स्टार्च है वो किससे बना हुआ है, डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। अब जो अमाइलोज है यानी कि स्टार्च की दो यूनिट होगी, एक अमाइलोज होगी और एक अमाइलोपेक्टिन होगी। अमाइलोज जो है ये पॉलीसेक्राइड है कंपोज्ड ऑफ कंटिन्यूस अनब्रांच्ड चेन ऑफ अप टू 4000 डी ग्लूकोज यूनिट जॉइंड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो अमाइलोज है इसमें क्या है, डी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट है, 4000 तक डी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट हो सकती हैं, स्ट्रेट चेन में होती हैं, और इनमें लिंकेज कौन सी प्रेजेंट है, अल्फा, यानी कि ग्लूकोज किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट है, तो लिंकेज कौन सी होगी, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट है। जो अमाइलोपेक्टिन है, ये क्या है, ब्रांच पॉलीमर है। अमाइलोज क्या था, अनब्रांच यानी स्ट्रेट चेन पॉलीमर था, जबकि अमाइलोपेक्टिन क्या है, ब्रांच पॉलीमर है, ये भी किसका बना हुआ है, डी ग्लूकोज यूनिट, और एक चेन में 24 से 30 यूनिट होते हैं। फिर ये नेक्स्ट चेन से जुड़ा होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो अमाइलोपेक्टिन क्या हो गया, ब्रांच पॉलीमर हो गया, वो भी किसका बना हो गया, डी ग्लूकोज यूनिट का बना हो गया। एक चेन में 24 से 30 यूनिट होती हैं किसकी, ग्लूकोज की, जो आपस में किससे जुड़ी होती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब एक चेन होगी, अब ये दूसरी चेन होगी, ये आपस में कैसे लिंक है, दूसरी चेन भी किसकी होगी, इसकी डी ग्लूकोज की, आपस में डी ग्लूकोज आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच है। ये पहली चेन होगी, ये दूसरी चेन होगी, जहाँ पे ये आपस में लिंक है वहाँ पे कौन सी लिंकेज होगी, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये स्ट्रक्चर है अमाइलोज की, ये ग्लूकोज यूनिट है सारी अल्फा फॉर्म में है। अब इसका पहला कार्बन, इसका चौथा कार्बन, दूसरी यूनिट का चौथा कार्बन आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो गए। इसी तरह अब इसका वन है, दूसरी यूनिट का क्या हो गया, फोर्थ, ये हो गया अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये क्या है, स्ट्रेट चेन है, अनब्रांच चेन है, लगभग 4000 यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं किसकी, ग्लूकोज की, जो आपस में जुड़ी होती हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। अमाइलोपेक्टिन का क्या हो जाएगा, ये एक चेन है ग्लूकोज यूनिट की, अल्फा ग्लूकोज यूनिट की, जो आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच है। ये दूसरी चेन है किसकी, डी ग्लूकोज यूनिट्स की, जो आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे अटैच है। अब ये चेन और ये चेन आपस में कैसे अटैच है, जो एक चेन का कौन सा होगा, 6CH2OH ग्रुप होता है, और पहली वाली चेन का क्या हो जाएगा, एक चेन का क्या हो जाएगा, एनोमेरिक कार्बन यानी के OH, ये आपस में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच्ड है। यानी जहाँ पे ब्रांचिंग है, जहाँ पे भी ये ब्रांचिंग आ रही है वहाँ पे लिंकेज कौन सी है, अल्फा 1,6। एक चेन का ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एटम, दूसरी चेन के ग्लूकोज का 6th कार्बन एटम आपस में लिंकेज पे इन्वॉल्व है ऑन ब्रांचिंग। तो अमाइलोपेक्टिन में क्या होगी, चेन्स होंगी, ठीक है, एक चेन 25 to 40 अमीनो एसिड ग्लूकोज यूनिट्स की होगी, और जहां और आपस में जो चेन है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच्ड है। अब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस क्या है, अमाइलोज क्या है, अनब्रांच चेन है, और अमाइलोपेक्टिन क्या है, ब्रांच चेन है। अमाइलोज जो है वो सोलेबल इन वाटर होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है इनसोलेबल इन वाटर होता है एंड कैन अब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स अप।
अमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अमाइलोपेक्टिन में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होगी और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो स्ट्रेट चेन जहाँ पे चल रही है वहाँ पे कौन सी लिंकेज है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और जहाँ पे भी ब्रांचिंग हो रही है वहाँ पे कौन सी लिंकेज है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो अमाइलोज है ये ब्लू कलर देता है विद स्टार सॉल्यूशन, जबकि जो आपका अमाइलोपेक्टिन है ये येलो और ऑरेंज कलर देता है विद आयोडीन सॉल्यूशन। अमाइलोपेक्टिन का मॉलिकुलर वेट रेंज करता है 10,000 to 5,000, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन का इसका रेंज करता है 50,000, जो अमाइलोज का है रेंज वो है 10,000 to 50,000, और जो मॉलिकुलर वेट की रेंज है अमाइलोपेक्टिन की वो है 50,000 to 1,000,000,000. दिस इज द 1,000,000. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो लास्ट टॉपिक है आपके इस यूनिट का वो है पॉलीसेक्राइड सेलुलोज। जो आपका स्टार्च था वो किसका बना हुआ था, अल्फा ग्लूकोज का। जो आपका सेलुलोज है वो किसका बना होता है, बीटा लिंकेजेस का, बीटा ग्लूकोज का। जो आपका स्टार्च है वो स्टोरेज मटेरियल है, और जो आपका सेलुलोज है वो स्ट्रक्चर मटेरियल है प्लांट्स के अंदर। तो सेलुलोज क्या है, स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड है। प्लांट सेल वॉल एंड एनिमल एक्सोस्केलेटन चिटिन आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज भी क्या है, लीनियर पॉलीमर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, लाइक स्टार्च। लेकिन स्टार्च के अंदर कौन सी लिंकेज थी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे लिंकेज कौन सी है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। जो एंजाइम इन सलाइवा कैन हाइड्रोलाइज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बट नॉट 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन सेलुलोज। जो हमारा स्टार्च है वो क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है स्टार्च की 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। तभी जो स्लाइवरी अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ देता है। लेकिन जो हमारा स्लाइवा है वो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ नहीं सकता, इस वजह से हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बोथ रियोन एंड एसिटेट रियोन आर मेड फ्रॉम केमिकली मॉडिफाइड सेलुलोज। अब ये स्ट्रक्चर सेलुलोज की, ये क्या होगी, ये भी स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, ये बीटा ग्लूकोज, ये बीटा ग्लूकोज, इसका फर्स्ट कार्बन एटम, इसका फोर्थ कार्बन एटम। तो बीटा ग्लूकोज होगी तो हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे नीचे। तो आपस में क्या किस लिंकेज में इन्वॉल्व है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाउ व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च जो है रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट का, जबकि सेलुलोज है वो चीफ कंपोनेंट है वुड एंड प्लांट फाइबर की। स्टार्च है दो कंपोनेंट का बना होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, लेकिन सेलुलोज सिंगल कंपोनेंट कंपाउंड है, ठीक है। जो स्टार्च है उसमें अमाइलोज जो क्या है, स्ट्रेट चेन है, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच चेन है। तो कैन आइदर फॉर्म स्ट्रेट चेन और ब्रांच आउट टू क्रिएट हेलिकल स्ट्रक्चर एंड मल्टीपल कॉइल्स। ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है और जहाँ पे आपका आयोडीन इंट्रैप होता है और क्या देता है, ब्लू कलर देता है। ये सेलुलोज है सिर्फ क्या बनाता है, स्ट्रेट चेन बनाता है। अब स्टार्च में ग्लूकोज मॉलिक्यूल कौन से लिंकेज से जुड़े हुए हैं, अल्फा लिंकेजेस से। सेलुलोज में जो आपके ग्लूकोज यूनिट है वो कौन सी लिंकेजेस से जुड़े हैं, बीटा लिंकेजेस से। यानी स्टार्च में जो ग्लूकोज है वो अल्फा है, सेलुलोज में जो ग्लूकोज है वो बीटा है। स्टार्च जो है आइडियल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, तभी ये स्टोरेज मटेरियल है, रिजर्व मटेरियल, फूड मटेरियल है प्लांट का। जबकि सेलुलोज है ये हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ह्यूमन बीग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और ये क्या है, स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ वुड एंड प्लांट्स। फिर जो स्टार्च है वो अमाइलोज स्ट्रेट चेन है, एक्वायर हेलिकल स्ट्रक्चर। जो सेलुलोज है इसकी रोप लाइक स्ट्रक्चर है। स्टार्च जो है ब्लू कलर देता है विद आयोडीन से, सेलुलोज जो है वो ब्लू कलर नहीं देगा विद आयोडीन सॉल्यूशन। स्टार्च इज यूज बाय प्लांट्स फॉर एनर्जी स्टोरेज, सेलुलोज इज यूज बाय प्लांट फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। तो जो स्टार्च है वो अबंडेंट कहाँ पे होते हैं, फूड आइटम्स सच एज कॉर्न, पोटैटोज, राइस, वीट, विस्की, बियर, बायोफ्यूल, यहाँ पर इनमें ये मेजर अमाउंट में पाया जाता है। और सेलुलोज इज फाउंड इन अबंडेंस इन पेपर, पेपर बोर्ड, कॉटन, वुड पल्प एक्सेट्रा।
that's all for your last unit, that is कार्बोहाइड्रेट्स. और इसके साथ आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका सिलेबस कंप्लीट हो गया. कोई भी आपको क्वेरी है तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हो. थैंक यू.